पीपल दिस सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में घूमने के बारे में बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है थाईलैंड का। थाईलैंड नहीं तो सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस। बट आज मैं एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा बट लोग इसको ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते बट ये जगह काफ़ी खूबसूरत है घूमने के लिए। मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी सारे लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ म्यांमार की तरफ कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे देखने के लिए कितनी सारी चीज़ें और यहाँ पे घूमने के लिए आपको कितना बजट लगेगा अगर आप इंडिया से जाते हैं म्यांमार। सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट म्यांमार ट्रेवल गाइड। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके कमेंट्स देख के काफ़ी अच्छा मुझे लगता है तो प्लीज़ करना। और चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। म्यांमार जाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको वीज़ा। ये वीज़ा लेने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं खुद घर पे बैठे बैठे और 3 दिन के अंदर आपको आपका वीज़ा ईमेल हो जाएगा। ये कुछ टाइम बाद चालू करने वाले हैं वीज़ा अराइवल की सुविधा भी, तो जब तक वो चालू नहीं होती तब तक आप ई वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है और काफ़ी आसानी से आपको घर बैठे मिल भी जाएगा। अब इंडिया से आप म्यांमार पहुँचेंगे कैसे? यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते, आप रोड से भी जा सकते हैं या तो फ्लाइट भी ले सकते हैं। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप म्यांमार रोड से भी जा सकते हैं जो कि काफ़ी आसान रास्ता है और काफ़ी कम हेक्टिक भी है। म्यांमार बॉर्डर वाया रोड के ज़रिए आपको क्रॉस करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा इम्फाल, जो कि है मणिपुर की कैपिटल। उसके पास में एक गांव है जिसका नाम है मोरे। आप वहां से इंडियन साइड पे है उसको क्रॉस कर सकते हैं और जो उनकी साइड का विलेज है उसका नाम है, आप इम्फाल से एक लोकल टैक्सी को हायर कर सकते हैं और मोरे जा सकते हैं। फिर वहाँ पर क्रॉस करके आप तामो तक वॉक कर सकते हैं जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर आप बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। एक बार आप जब तामो पहुँच गए तो आप वहाँ की नियरेस्ट मेजर सिटी मंडेला तक जा सकते हैं। एक चीज़ के लिए मैं पहले से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगर मैं किसी भी जगह या किसी भी प्लेस का गलत नाम प्रोनाउंस करूँ तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ सही से सही प्रोनाउंस करने के लिए, पर फिर भी अगर कभी गलत होता है तो उसके लिए सॉरी। अब आप दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट भी ले सकते हैं यांगून तक जाने के लिए, जो उनकी कैपिटल सिटी है। यहाँ तक जाने के लिए जो एक आपको एवरेज प्राइस देना पड़ेगा पर पर्सन एक साइड का, वो है 9,000 इंडियन रुपीज़। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्राइस 8,000 भी है, कभी 8,000 कभी 9,000। अगर आप आना जाना दोनों फ्लाइट से करेंगे दिल्ली टू यांगून, यांगून टू दिल्ली, तो आपको कम से कम 20,000 रुपीज़ पर पर्सन खर्च करने पड़ेंगे फ्लाइट के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेंसी दे यूज़। म्यांमार में जो करेंसी चलती है उसका नाम है कायूत और जो उसकी वैल्यू है इंडियन करेंसी के मुकाबले वो है 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 29.99 कायूत, जो कि होते हैं लगभग 22 कायूत के बराबर। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखें, म्यांमार में यूएस डॉलर भी चलते हैं और उनकी लोकल करेंसी भी चलती है। यहाँ पे जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन आपको बता सकता हूँ वो ये है कि आप अपने पास में यूएस डॉलर्स कैरी करिए, उन यूएस डॉलर को वहाँ पे जाके आप एक्सचेंज करवा सकते हैं तो आपको मिलेगी एक अच्छी वैल्यू। बस एक्सचेंज कराते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके साथ में किसी भी टाइप का स्कैम नहीं हो, क्योंकि अगर आप किसी बेकार जगह पे या किसी शेडी जगह पे गए तो आपको एक्सचेंज रेट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो जहाँ से आपको अच्छा रेट मिले वहीं से एक्सचेंज करवाइए और यूज़ कीजिए। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन के बारे में। अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हैं उनकी कैपिटल सिटी यांगून में, जो एक एवरेज रेट है उनकी कैपिटल सिटी का वो है 1500 से लेकर 2000 इंडियन रुपीज़ के बीच पे पर नाइट। ऑफकोर्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, खुद घर बैठे बैठे पे कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप वहाँ जाके भी पे कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हॉस्टल्स को भी यूज़ कर सकते हैं एक बार। अगर आप हॉस्टल का प्राइस देखेंगे hostelworld.com पे, तो जो आपको मिक्स बेडरूम का जो प्राइस है वो है 375-370 इंडियन रुपीज़। अगर यही आप प्राइवेट लेना चाहते हैं, वहाँ पे हॉस्टल चाहते हैं कि सिर्फ आप 2 लोग वहाँ पे रहें एक कमरे के अंदर और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, तो जो आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा एटलीस्ट 1800 इंडियन रुपीज़। आप कॉस्ट डिपेंड करता है कौन सी डेट आप चूज़ कर रहे हैं, कौन से जगह पे आप रुक रहे हैं, कितने लोग हैं और कैसी वो जगह है, ये बाकी सारी चीज़ें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टूरिस्ट प्लेसेस यू मस्ट विजिट इन म्यांमार। अगर आप म्यांमार में हैं तो सबसे पहली जो जगह है देखने के लिए वो है वहाँ की कैपिटल सिटी उनकी यांगून। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पुराना एकदम देखने के लिए मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आप 1940s 1950s में। इतना डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुआ है कंपेयर टू अदर्स कंट्रीज और सिटीज़, बट फिर भी ये जगह एक नया एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करवाती है जो शायद आपको किसी दूसरी कंट्री या सिटी में देखने के लिए नहीं मिले। जहाँ तक हो गई ये बात, यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी सारे पगोदाज, सबसे मशहूर जो पगोदा है उसका नाम है शेन रांगोन पगोदा और ऐसा बोला जाता है कि गौतम बुद्ध के बालों का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जगह काफ़ी सीक्रेट है देखने के लिए और काफ़ी खूबसूरत भी है। नेक्स्ट जो पगोदा है उसका नाम है सोलो पगोदा।
सूर्य पगोडा रिप्रेजेंट करता है उनके रिलीजियस सिंबल को, यांगून के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और थ्रू आउट द ईयर्स कितने सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं उन सबको। थर्ड जो प्लेस है उसका नाम है ग्रेट रॉयल लेक। ये मशहूर है यहाँ के पिकनिक स्पॉट के लिए। यहाँ जो ये लेक है वो 150 एकड़ ज़मीन पे फैली हुई है और फुल फ्रेश वाटर लेक है, जो ऑफकोर्स काफ़ी सुंदर लगती है देखने के लिए। अगर आप यांगून से 800 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको एक खूबसूरत छोटी सी सिटी देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है बागान, जो कि काफ़ी मशहूर है टूरिस्ट के बीच में। इसको आप ओल्ड सिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी पुराने बुद्धिस्ट टेंपल, मोनेस्ट्री, पगोडास एवरीवेयर। यहाँ की नाइट लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे एज ए टूरिस्ट देखने के लिए नई नई चीज़ें काफ़ी सारी हैं। यह 800 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए अगर आपके पास बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप बागान तक ऑफकोर्स फ्लाइट ले सकते हैं, अगर कम है तो आप ओवरनाइट बसेस भी ले सकते हैं। एक बार जब आप बागान घूम लेंगे, बागान में एटलीस्ट आप 2 दिन रुकिए, वो घूमने के बाद आप नॉर्थ में जाइए 180 किलोमीटर की दूरी पे। आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार जिसका नाम है मंडालाया। सिर्फ 4 घंटे की बस राइड में आप एकदम चेंज माहौल में पहुंच जाएंगे। बागान जो एक छोटी सी सिटी है उसके मुकाबले ये सिटी काफ़ी बड़ी है, मेट्रोपॉलिटिकल सिटी है। यहाँ पे काफ़ी सारे एशियंस अलग अलग कल्चर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन शॉर्ट म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको इतने लोग, इतनी भीड़ भाड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए शांति, आपको सिर्फ नई नई चीज़ें देखनी है, आपको बैक इन टाइम जाना है, तो ये कंट्री आपके लिए बनी है। अगर आप म्यांमार गए और इंक्ले लेक नहीं गए तो दोस्तों आप म्यांमार गए ही क्यों। इंक्ले लेक काफ़ी खूबसूरत लेक है म्यांमार के, आप काफ़ी पास में है यांगून से, तो आप सुबह की बस लेके भी यांगून पहुँच सकते हैं और अपनी वापस से फ्लाइट ले सकते हैं इंडिया की तरफ। इन्हें लेक पर आप बोट राइड लेते हैं तो आपको पर डे के लिए जो बोट का प्राइस देना पड़ेगा वो होगा एटलीस्ट $15 के बराबर। अगर आपको स्पेसिफिकली चीज़ों के बारे में और डिटेल चाहिए एक स्पेसिफिक सिटीज़ के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैंने मेन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आप और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो अगेन यू कैन टेल मी। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।